हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली इस वीडियो का पर्पस है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नए नए मार्केट में ज्वाइन करते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होता है बट वो लॉस कर रहे होते हैं, उनको मालूम चलना चाहिए कि वो लॉस कैसे ना करें, और उनको ये भी मालूम चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कैसे कमाए, अर्न कैसे करें। हमारा स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस हो सकता है जिसमें कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर पाए। स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर कि आप धीरे धीरे करके मार्केट से करोड़ में पहुंच सकते हैं, इजिली पहुंच सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका रास्ता क्या होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, लोग समझते हैं कि इस मार्केट में अगर आप आ गए तो जुए की तरह से आपका सारा का सारा पैसा जो है यहाँ पर फिनिश, खत्म हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है अगर आपने कुछ रास्तों को गलत तरह से ले लिया, और ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा अगर आप सही सीधे रास्ते पर इस मार्केट में चलने लगे। तो इसी पर्पस के लिए कि स्टॉक मार्केट को लोग जो जुआ समझते हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि जो लोग इस मार्केट को जुआ समझते हैं, जिनके पैसे इस मार्केट में लगने के बाद डूब जाते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिस कारण से ये मार्केट एक्चुअल में इतना बदनाम है, इतना ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो डरते हैं कि मार्केट में कहीं पैसा हमारा डूब ना जाए। बट एक्चुअल में अगर आप किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इट कैन गो एनी नंबर। मीन्स विप्रो में अगर आपने 20-25 साल पहले इन्वेस्ट किया होता जस्ट 10,000 रुपीज, तो आज आपका अमाउंट करोड़ में होता। अगर आपने HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका अमाउंट करोड़ में होता है। अगर आपने बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस, TCS, इन्फोसिस, L&T जैसी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका अमाउंट बहुत बहुत अच्छा अमाउंट बना होता इन करोड़, फ्रॉम जस्ट रुपीज 10,000 और 20,000। डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो इन्वेस्टमेंट किया कहां पर है, राइट। तो हमारा फिलहाल इस बार का टॉपिक है कि बहुत सारे लोग जो मार्केट में होते हैं वो मार्केट को किस तरह से एक्ट करते हैं, मार्केट में किस तरह से काम करते हैं। सो दैट इज आवर बेसिक फर्स्ट टॉपिक, टूडेज टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर्स इन द स्टॉक मार्केट। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारी जो मार्केट है वो किस तरह की हो सकती है। नंबर वन, गैम्बलर्स, मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट में जो है जुआरी भी होते हैं, सट्टेबाज भी होते हैं। ये एक्चुअल में गैम्बलर्स क्यों कहलाते, मैंने इनको नाम गैम्बलर क्यों दिया है मैं आपको बताऊंगा। नंबर टू, मैं यहां पर बात करूंगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स की जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नंबर थ्री, मैं आपसे बात करूंगा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की जो कि मार्केट में होते हैं बट इनका जो नंबर्स हैं वो बहुत कम होता है। चौथे तरह के लोग होते हैं ऑप्शंस वाले जो कि ऑप्शन फ्यूचर में ज्यादा काम करते हैं। और फिफ्थ तरह के लोग होते हैं, दैट इज स्लीपिंग इन्वेस्टर्स, राइट। इसमें ज्यादातर जो लोग 90% होते हैं बिलीव में, जो लोग ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में, इनफैक्ट 90% वो फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं, और बाकी 10% कैटेगरी में हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरी के लोग होते हैं, राइट। और नो डाउट आप समझ सकते हैं प्रॉफिट कौन कमाता होगा, 10% और 90%, 10%। सो मार्केट का नेचर है कि मार्केट इनसे लेकर इनको देता है। सो अगर आप मार्केट में एज ए गैम्बलर काम कर रहे हो तो मार्केट जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आपको मार्केट से सीखने के लिए मार्केट में लॉस करके मार्केट को फीस देनी ही पड़ेगी। यहां पर कह सकता हूं कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक ए लाइफ, हमारी जिंदगी की तरह है। हमारी जो जिंदगी है, अगर मैं पूछूं कि बताओ आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी क्या है, तो आप कहेंगे इसकी लाइफ, लाइफ के बारे में बताना है, इज अ वेरी, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर पर्सन की अपनी अपनी राय हो सकती है। सम पर्सन मे से लाइफ इज अ फन, है ना, हंसो खेलो, नाचो गाओ, दैट इज द बेसिकली लाइफ मीन्स।
दूसरे लोग तरह के लोग से मैंने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा है, आपने भी देखा होगा, ड्राइविंग इज माई लाइफ, पैशन है उनका गाड़ी चलाना, राइट। कुछ लोगों का पैशन है खाना खाना, कुछ लोगों का पैशन है ड्रिंक पीना, है ना, तो ये भी एक पैशन है, दैट इज लाइफ। और कुछ लोगों का पैशन है मेडिटेशन, भगवान को याद करना, उनके लिए भगवान मतलब लाइफ का दूसरा मकसद है भगवान को पाना, सो ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है, राइट। तो लाइफ इज कैन बी फन, कैन बी ड्राइविंग, कैन बी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेडिटेशन, एक्स वाई जेड, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेस है जहां पर कि आप नंबर वन कैटेगरी में, नंबर टू कैटेगरी में, नंबर थ्री कैटेगरी में, नंबर फोर कैटेगरी में, नंबर फाइव कैटेगरी में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, राइट। सो यहां पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट से घबराते हैं, डरते हैं कि मार्केट में आने के बाद लॉस होगा, तो लॉस तब होगा जब आप इसको एज ए गैम्बलर लोगे स्टॉक मार्केट में। अगर आप इसको गैम्बलर की तरह से काम करोगे तो इट विल बी लाइक दिस, राइट। अब मैं क्योंकि पांचों के पांचों कैटेगरी को समझाने के लिए, देखिए स्टॉक मार्केट में आने का मतलब बिल्कुल ये हुआ कि आपको जो है समझना तो पड़ेगा, टाइम तो देना होगा, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो स्टॉक मार्केट समझ में आने वाली नहीं है। यहां पर हर रोज एक नई एक्टिविटी होती है, हर रोज एक नई शुरुआत होती है, मतलब यहां पर जो है आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, डेट इज स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग प्लेस के बारे में, सट्टाबाजारी के बारे में। ये मैं सट्टाबाजारी इसको क्यों कह रहा हूं, उसका कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। इस वीडियो को मतलब है तो ये पांच कैटेगरी, हम लोग पूरी के पूरे पांचों कैटेगरी को अलग अलग वीडियो में डिवाइड करके बनाएंगे, राइट। सबसे पहले ही वीडियो को हम आपके साथ हमारे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि ये गैम्बलिंग क्यों है। एक्चुअल में यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि किसी भी तरह का कोर्स नहीं करते, किसी की तरह की नॉलेज नहीं रखते। ये लोग मार्केट में आते हैं और इनका जो थ्योरी होती है मार्केट में शेयर परचेज करने की, उनका एक ही बेस होता है, दैट इज अब क्या लगता है, अब क्या लगता है मार्केट में क्या होगा। रिलायंस का शेयर आज के दिन कितने का है, 2200 का, अब क्या लगता है, अब 2300 या 2100, 2200 तो बाय कर लो, 2100 तो सेल कर दो। ये लोग रोज रोज मार्केट के में यही सोचते हैं, हर शेयर के बारे में, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में कि अब क्या लगता है, और उनको जो लगता है वो मार्केट में करते हैं एंड मार्केट में जो है नुकसान झेलते हैं, राइट। तो जो लोग इस कैटेगरी के लोग हैं जो कि डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, राइट, इनको मैंने यहां पर गैम्बलर के फॉर्मेट में नाम दिया है, बिकॉज दे आर एस्टिमेटिंग। देखो गैम्बलिंग क्या है, दैट गैम्बलिंग इज आल्सो एस्टिमेटिंग। मैंने कहा एक डाइस है मेरे पास, मैंने डाइस फेंका, डाइस फेंकने के बाद मैंने कहा बताओ क्या आएगा, तो आपने कहा 1 आएगा, एक ने कहा 2 आएगा, एक ने 4 आएगा, एक ने 6 आएगा, तो एक तो जीतेगा जीतेगा, तो दैट इज आल्सो गैम्बलिंग। तो आपने जब एक एस्टिमेट किया कि भाई ये होगा, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसके बेसिस पर आप कर रहे हो सकता है कुछ बेस हो बट वो एक्चुअल में मार्केट में यूज ना हो पाए, राइट। बट व्हाट आई मीन टू से, अगर अगर आप फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड करते हैं कि अब मार्केट में क्या होगा, आंसर इज यस, आप पार्ट टाइम हो और टाइम पास कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि ये गैम्बलिंग ही है। यहां पर बहुत सारे लोग इसको गैम्बलिंग लेते हैं, राइट। यहाँ पर एक गाना आया था मार्केट के, मतलब मार्केट का गाना नहीं है, एक नॉर्मल गाना आया था, यार मेरा तितलियां वर्गा। तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा कहा है वो यार नहीं है, वो इन्वेस्टर होना चाहिए, इन्वेस्टर मेरा तितलियां वर्गा। कभी एक एक शेयर में, कभी दूसरे शेयर में, कभी तीसरे शेयर में, तीसरे शेयर से जैसे ही वो बेचता है वो पहले शेयर में पहुंच जाता है, जिसमें बेचता है वो शेयर भाग जाता है, जिसको खरीदता है वो शेयर डाउन हो जाता है। आप अगर आप भी एज ए ट्रेडर हो तो आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आपने जैसे ही शेयर से पैसे निकाले वैसे ही वो शेयर डाउन, और जैसे आपने आपने किसी शेयर में एंटर किया वैसे ही वो शेयर, जैसे ही एंटर किया वो शेयर डाउन, जैसे ही निकाले शेयर अप। मतलब ऐसा
अगर आपके साथ होता है तो मतलब आप एक गैम्बलिंग ही कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर जितने भी ये लोग होते हैं, ये न्यूज़ लेते कहाँ से, मतलब कैसे, क्या बेस होता है इनका? इनका बेस होता है, ये बेस होता है इनका टीवी। टीवी बहुत देखते हैं, CNBC आवाज एंड XET प्राइम दिस डैट, राइट। टीवी शोज देते हैं बहुत सारे, उस टीवी चैनल में बहुत सारे रिकमेंडेशन देने वाले आते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और उसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। अपने दोस्तों के कहने पर बहुत सारे ट्रेड लेते हैं, रिकमेंडेशन के बेस पर बहुत सारे काम करते हैं, न्यूज़ के बेस पर बहुत सारे काम करते हैं, ब्रोकर्स के कहने पर, ब्रोकर की रिसर्च होती है मार्केट में, उसके बेसिस पर काम करते हैं। इन सब के बाद मतलब इन सभी के बेसिस पर किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, और कहीं से कहीं भी सुन लिया और मार्केट में ट्रेड लिया। और जैसे ही वो ऐसा लेते हैं तो मार्केट को है उनको उनको लॉस करा देती है। नो डाउट लॉस भी जरूरी है, बट लॉस इतना नहीं होना चाहिए कि आपकी कैपिटल को खत्म कर देती है। एक व्हाट्सएप पर वीडियो मेरे पास आया था, मुझे लगा आपको इस वीडियो को जरूर दिखाना चाहिए। देखेंगे इस वीडियो को। क्या बोला ना, मार्केट में फिर लॉस हुआ? एक बात बता, एक पायलट की कमाई कब शुरू होती है? 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद, और एक डॉक्टर की 5 साल की पढ़ाई के बाद? तुम चाहते हो कि 2-4 महीने में 2-4 वीडियोस देते अंबानी बनना? ये मार्केट है लाला, यहाँ पे जब तक तुम जैसे 90% लोग ऐसे बिना पढ़े लिखे बिना प्रैक्टिस किए अपना पैसा खोगे नहीं, वो 10% कमाएंगे कैसे? होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं और लॉस कर रहे हैं तो बी केयरफुल, राइट। आप लॉस ही करेंगे, इट्स वेरी वेरी सर्टेन, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉस करेंगे। अगर आप प्रॉफिट में हो तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बढ़िया इंसान कोई है नहीं दुनिया के अंदर। बट बहुत सारे नए लोग जो इस मार्केट में आते हैं ये सोच कर कि ये बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस मार्केट में मेहनत करनी होगी, फुल मेहनत करनी होगी, एटलीस्ट 2 साल 3 साल मार्केट में अच्छे से देखना होगा मार्केट को। इनफैक्ट एक बुल रन एक बियर रन देखने के बाद ही आप इस मार्केट से घर में कुछ ले जा पाएंगे। एक्चुअल में ये लोग लॉस करते क्यों है समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप भी समझेगा अगर आप लॉस नहीं करना चाहते तो। सबसे पहला बड़ा रीजन होता है कि ये लोग कुछ पैसा लेके आते हैं, क्योंकि यहां पर स्टार्ट करना बड़ा आसान है। अगर मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बड़ी बड़ी सिंपल है, आप इसको 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली लोग 10,000 15,000 रुपए से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब मार्केट में लेके आते हैं, राइट। अब 15,000 जब लेके आते हैं तो उनका जो ब्रोकर है ना, उनको एक आपको एक लिमिट देता है, डेट इज कॉल्ड ब्रोकर लिमिट, राइट। ये जो लिमिट होती है, लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तो आप 5 गुना 10 गुना मार्केट में सामान उठा सकते हो, राइट। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपया है, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं कहूँ कि किसी ब्रोकर ने आपको 5 गुना लिमिट दे दी, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 50,000 रुपये का आप रिलायंस परचेज कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर मार्केट में, मतलब मान लो सपोज करो 2,000 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो आप 25 शेयर ले सकते हो। अब होता क्या है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जो ब्रोकर है वो आपका बड़ा फायदा कर रहा है, बट यहीं पर ही एक जंग स्टार्ट होती है लॉस की। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2,000 × 25 50,000 का सामान आपने ले लिया, अगर ये प्राइस ऊपर चला गया 2,000 से 2,100 हो गया, तो 100 रुपये पर शेयर आपका प्रॉफिट हुआ, है ना। तो 100 × 50 शेयर परचेज किए थे, 5,000 रुपये आप ले जाओगे। बट इसका उल्टा सोच के देखो, अगर ये शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 रुपये माइनस चली गई तो 200 × 50 यानी कि 10,000 रुपये आपका नुकसान हुआ। आप लेके कितना आए थे, 10,000, और 10,000 लेके आए थे, 10,000 नुकसान हुआ। अब ब्रोकर आपको कहेगा टाटा बाय बाय, आप अपने घर वापस जा सकते हो, और आप पूरी दुनिया को बोलोगे कि मेरा नुकसान हो गया, स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं है, स्टॉक मार्केट को गाली दोगे। आपकी गालियों के कारण से जो 2 लोग 3 लोग और मार्केट में आने की बात कर रहे थे वो भी नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लीवरेज, उधार। हालांकि से भी बहुत सारा काम कर रहा है इस लीवरेज के ऊपर, तो उसके बावजूद भी ब्रोकर जो आपको लिमिट देता है, अगर उससे आप बच सकते हैं तो मार्केट में
बहुत लंबे समय तक टिके रहोगे और मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाओगे, राइट। एक बहुत बड़ी गलती और मार्केट में जो ये हमारा गैम्बलर भाई साहब करते हैं वो ये कि ऑप्शंस में डील करते हैं। अब ऑप्शंस अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शायद आपको अभी मालूम नहीं चलेगा, मैं आपको हल्का सा समझा दूं कि ऑप्शंस आर जस्ट लाइक शेयर्स, ऑप्शंस आर जस्ट लाइक शेयर्स, पर वहां पर जो अमाउंट ऑफ ट्रेड होता है वो अराउंड 7 लाख 8 लाख रुपए के लिए होता है। और सेम स्टोरी कि अगर आपके पास 25,000-30,000 रुपए है और आप 7 लाख 8 लाख रुपए की चीज बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वहां पर आपको नुकसान भी 20-25,000 का होगा। तो जैसे ही आपको अपने आपकी कैपिटल का नुकसान हुआ तो आपका ब्रोकर आपको टाटा बाय बाय मार्केट जो है वो आपको बाय बाय करेगा, आप घर जाओगे, फिर कमाओगे, फिर पैसा लोगे और फिर और मार्केट में देने के लिए आओगे। और इसके क्या क्या कारण होते हैं लॉस करने के, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देखिए ये जितनी बातें मैं आपको बता रहे जा रहा हूँ ये मैंने खुद ने देखी हुई है। बहुत सारे लोग जो लॉस करते हैं रीजन यही सारे होते हैं। इनफैक्ट अगर आपने मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड किया है तो आप देखोगे कि यही रीजन आपको जो है परेशान कर रहे हैं। ब्रोकरेज के चार्जेस बहुत सारे होते हैं, ब्रोकर जो है वो पेनल्टीज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं, ब्रोकर आपको लिमिट दे तो देता है कि 10,000 की जगह 50,000 की ट्रेडिंग कर लो, बट आपके पेमेंट लेट करने के कारण से वो पेनल्टी जरूर लगाता है। और जितना पैसा वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है उस पर इंटरेस्ट जरूर चार्ज करता है। इंटरेस्ट जो है वो जनरली 20-30% के बीच में होता है जो कि मार्केट में सबसे हाईएस्ट होगा। एंड ब्रोकरेज नो डाउट ब्रोकरेज तो वो चार्ज करेगा, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो आप मार्केट से कुछ अपने घर लेके जाओ या ना जाओ, आपका जो ब्रोकर है वो जरूर आपके घर में अपने घर में बहुत सारा कुछ लेके चला जाएगा आपके थ्रू, राइट। तो जितने भी ब्रोकर होते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। आप ट्रेड करोगे उनको पैसा मिलेगा, उनके उनके घर में जो है बरकत रहेगी, राइट। तो आपको क्या करना है अब आप सोचिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो उसका एक तरीका होता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आता है। अगर आप इन्हीं सब बेसिस पर ट्रेड करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो यहां पर आप स्ट्रिक्टली अपने आप को वांग कर लीजिए, अपने आप को रोक लीजिए, नहीं तो बहुत बहुत लॉस होने वाला है। और अगर कभी आप जो है मार्केट से जीत भी गए, अगर मान लो आपने 15,000 लेके आए, 20,000 लेके आए, आपने जो है 10,000 कमा भी लिए, आपके 30,000 हो गए, अब होगा क्या, ब्रोकर आपको अभी भी लिमिट देगा। अब आप 30,000 गुना में 5-1.5 लाख का सामान परचेस करोगे। अब मार्केट से अगर आप 1.5 लाख का सामान परचेस करोगे तो आपकी लिमिट हाई हो गई, और जब लिमिट हाई हो गई तो प्रॉफिट तो हाई होगा बट साथ ही साथ लॉस अभी भी आपका ज्यादा ही होगा, क्योंकि मार्केट के लिए 1.5-2 लाख कोई भी मायने नहीं रखता और मार्केट इमोशनलेस होता है और आप इमोशनल होते हो। आप किसी ट्रेड के साथ जब भी काम करते हो तो उसके साथ अटैच हो जाते हो, आपको लगता है आप हमेशा हमेशा सही हो और मार्केट जो है आपको सही गलत जो है मार्केट जो डिसाइड करता है वही होता है और आपने क्या डिसाइड किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक किस्म से मार्केट में आपकी एक आदत पड़ जाती है, एडिक्शन, मतलब जैसे कहते हैं ना आपने आपको पीने की आदत लग गई, मुझे पीने की आदत लग गई, किसी चीज को खाने की आदत लग गई, राइट। दैट This the behavior of the market, right? Market में लॉस करने के बावजूद लगता है कि अब लॉस किया है, अब मैं इसी से ही प्रॉफिट कमाऊंगा। सो यहाँ पर जो ये आदत है यही खराब करती है और यही रीजन है कि यहाँ पर 90-95% लोग लॉस करते हैं। बहुत सारे और रीजन भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। मार्केट में दो लाइनें ऐसी हैं जो कि कंगाल करने वाली हैं। मार्केट में दो शब्द ऐसे हैं जो कि कंगालपति बनाने के लिए बहुत इनफ। अब और कितना नीचे गिरेगा, कोई शेयर अगर मान लो पहले 300 रुपए का था, अगर अब 200 रुपए का हो गया है तो इन्वेस्टर को ट्रेडर को लगता है कि और कितना गिरेगा, पर मार्केट नहीं देखता। 200 से वो 100 भी आता है, 50 भी आता है, 25 भी आता है, 25 पे आपको लगता है तो वो 15 भी आता है, 15 से 20 भी, 20 भी, 15 से 10 भी आता है, 5 भी आता है, 2 भी आता है। बट जब भी आपको ये लगता है कि और कितना गिरेगा तो आप जो है एवरेज करना शुरू कर देते हो, और जो ये एवरेज है वो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, आपके घर की इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट वो पैसा जो कि आपने अपने बच्चों के लिए, अपने
फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए बचाया होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ये ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ द एवरेज। सो अगर आपने किसी बैड स्टॉक में एवरेज कर लिया तो वो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल को खा जाता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एवरेज जो है वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है अगर आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो चाहे तो आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, चाहे मतलब टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू काम करते हैं, चाहे वो बिना टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू काम करते हैं, चाहे वो न्यूज बेस करते हैं, अगर स्टॉक अच्छा नहीं है तो यहाँ पर अगर आपने ये सोचा है अब कितना नीचे जाएगा तो यहाँ पर आप जो है कैपिटल किल कर सकते हो। और दूसरी लाइन जो कि मार्केट में बहुत खतरनाक है, दैट इज अब और कितना ऊपर जाएगा। बट वट आई मीन टू से, एक मार्केट के अंदर शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब कि आपके पास कोई शेयर नहीं है उसके बावजूद भी आप शेयर को बेच सकते हो, राइट? तो अगर कोई शेयर 100 रुपए का 200 हो गया है तो अब लगता है कि अब कितना और ऊपर जाएगा, 200 का 400 हो गया अब लगता है अब और कितना जाएगा। तो अगर आपके पास शेयर है तो आप बेच देते हो और बेचने के बाद वो एकदम स्पाइक होकर ऊपर चला जाता है। सो आपको लगता है कि इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएगा, वही शेयर ऊपर चला गया और आपने उस शेयर के पैसे निकाल के जब दूसरे स्टॉक में डाले वो नीचे चला गया। ऐसा बहुत बार मार्केट में होता है, राइट? तो ये और कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, ये जो चीज है ना ट्रेडर की, गैम्बलर की, ये भी किल करती है। इसके जो भी आपको कह रहा हूं उसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो आपके स्क्रीन पर एक चार्ट लगा हुआ है, चार्ट कौन से स्टॉक का मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर देखो थिंकिंग प्रोसेस सोचो। ये investing.com करके एक साइट है, वहां से हमने ये चार्ट लिया हुआ है। तो स्टॉक जो है, देखो ये अगर आपको नंबर दिख रहा है तो नंबर आपको विजिबल नहीं है, आई थिंक अब विजिबल होगा। अच्छा चलो छोड़ो, मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये जहां पर मेरा कर्जर है, यहाँ पर कर्जर जहां पर है, ये जो लेवल है दैट इज बेसिकली 70, ठीक है? 70 से ये स्टॉक ऊपर गया 100, फिर और ऊपर गया 111। अब जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको लग रहा है अब इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएगा, राइट? फिर स्टॉक जो है और ऊपर जाता है और स्टॉक जो है, अच्छा अब आपको प्राइस दिख रहा है जैसे हम आगे कर रहे हैं वैसे प्राइस दिख रहा है। सो स्टॉक ऊपर गया 137 पे आ गया, फिर स्टॉक और ऊपर गया 1600 पर आ गया। अब लगता है इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएगा, तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पर शॉर्ट करता है, शेयर है नहीं बेचने की कोशिश करता है, पर स्टॉक जो है वो और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो लग रहा है यार इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएगा, राइट? अब स्टॉक जब ऊपर, अब यहीं पर ही जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसके बाद अब लगता है यार इतना हमने इसको छोड़ दिया, अब इसको क्यों ना बाय कर लें। तो जैसे ही इसको बाय करना शुरू करते हैं मार्केट में ये धराम से नीचे गिरता है। अब गिर तो गया स्टॉक, अब बहुत सारे इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि यार 360-400 रुपए की चीज जो है अब जो है 180 हो गई है, अब और कितना नीचे जाएगा, आधी चीज हो गई है अब और कितना जाएगा। तो यहां पर लोग जो है एवरेज करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो एवरेज करना शुरू करते हैं तो यहां पर थोड़ा ऊपर जाके फिर स्टॉक जो है 59 रुपीज पर आ जाता है, 59 रुपीज। अब 59 रुपीज पे आने के बाद लगता है और कितना नीचे जाएगा, एंड बिलीव मी, और आज ये आज की डेट में जो स्टॉक है ये अराउंड 75 के आसपास है और इस स्टॉक का नाम है यस बैंक। देखिए यही होता है मार्केट में, बहुत ऊपर जाने के बाद एक धड़ाम से नीचे की तरफ गिरावट आती है और स्टॉक जो है गिर जाता है। सो ये चीज पकड़नी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एवरेज करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है, और नहीं करना तो कब नहीं करना, ये चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज पैसा आपका बहुत ही डूबना तय है। तो इसी रीजन से मैं आपको फर्स्ट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को बोल रहा हूँ गैम्बलर, क्योंकि यहाँ पर कर देती है, राइट? अब एक और रीजन बताता हूँ मैं आपको, जिस कारण से मैंने इसको इनको बोला है कि लॉस करते हैं लोग, और ये ऐसा होता है आप लॉस इसी रीजन से करते हैं। दूसरा क्या रीजन है,
देखिएगा, एक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल गुड कंपनी, सुपर कंपनी, राइट, और उस कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आया, शानदार आया, सेल 40% डाउन, प्रॉफिट 40% डाउन, इज इट गुड और बैड? वेरी गुड, सुपर गुड, इससे अच्छा क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रही है। अब क्वार्टरली जब रिजल्ट आया तो क्या करोगे, बाय, बाय करोगे ना। अब जैसे ही ट्रेडर जो है इसमें इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है, स्टॉक डाउन। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सर मार्केट यही मार्केट है, इसी रीजन से मैं आपको इसी रीजन से मैं फर्स्ट कैटेगरी को गैम्बलिंग कह रहा हूं कि जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग है ना, ये बहुत बहुत घातक हो जाती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट दे रहा हूं। मैंने यहां पर डाल दिया, ये हमारा ग्रैनुअल इंडिया करके एक स्टॉक है, ग्रैनुअल इंडिया करके एक स्टॉक है, तो देखो यहां पर रिजल्ट लिखा हुआ है दैट ग्रैनुअल इंडिया ऑन ट्यूजडे रिपोर्टेड 38.515% राइज इन इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट टू 127.56 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021 ऑन अकाउंट ऑफ रोबस्ट सेल। बहुत अच्छी सेल होने के बाद जो है प्रॉफिट 38.15% इंक्रीज हो गया, राइट। इसकी डेट भी देख लो, आपको डेट भी विजिबल है 11th मई 2021, राइट, और 11th मई 2021 को क्या हुआ स्टॉक के अंदर, अब आप ये भी देखिएगा 11021 को डेट के साथ अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो डेट है ना, मालूम नहीं आपको विजिबल है या नहीं डेट, हाँ विजिबल है नीचे की तरफ, तो ये जो डेट है डेट इज बेसिकली 7th मई को प्राइस हो रहा है 2363 का, और जैसे ही रिजल्ट आता है ये इस शेयर का प्राइस नीचे धड़ाम से गिर जाता है, और गिरने के बाद ये पहुंच जाता है 321। तो आपने यहां पर इन्वेस्ट किया और रिजल्ट के बाद ये गिर गया डाउन। आप भी इसको अपने किसी भी चार्ट में खोल के देखना और देखो रिजल्ट बेटर होने के बाद क्या होगा, राइट। और एक और एग्जांपल, हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। अब इस एक कंपनी का जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जो आया वो आया डेट इज 36.05 सीआर का प्रॉफिट, राइट, और अगर यहां पर हम बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर में 5.30 करोड़ था, अब 36.05 सीआर हो गया, मतलब 5 गुना से भी ज्यादा, राइट, गुड प्रॉफिट और बैड प्रॉफिट, सुपर गुड, राइट ना, बहुत अच्छा है। अब अगर इसी के चार्ट को अगर हम देखेंगे आप भी, अच्छा पहले इसकी डेट देख लो, डेट क्या है, इसकी डेट है 13th मई 2021, और इसी डेट को अगर आप देखोगे तो इस शेयर का जो पहले प्राइस रहा था वो यहां पर टॉप पर रहा था, दिस वन 872, ये वाला प्राइस ये रहा था 856, और रिजल्ट जैसे ही आया वैसे ही 14 मई को ये हमारा हो गया 720, अराउंड 100 रुपए से ज्यादा का स्टॉक गिर गया। तो अगर आपने अच्छे रिजल्ट को देखकर, न्यूज को देखकर अगर इसमें बाय किया है और 4-5 दिन नहीं ठहरे और ये इसके पास पास रहा कुछ दिनों तक, तो यहां पर जैसे आप डिसहर्टेड हुए, जैसे स्टॉक बेचा वैसे ही स्टॉक प्राइस अप। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में न्यूज बेस्ड अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खतरा है, राइट। ऐसा ही होता है बहुत सारे शेयर्स में, जब बोनस आता है, बोनस इशू आता है, जब बोनस आता है, बोनस इज अ गुड न्यूज फॉर एनी कंपनी, है ना, स्टॉक स्प्लिट इज अ गुड न्यूज फॉर अ कंपनी, तो पर जैसे ही जिस दिन एक्स डेट होती है बोनस शेयर की, उसी दिन स्टॉक प्राइस डाउन। ऐसा हर शेयर के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि हर शेयर के अंदर प्रॉफिट अगर अच्छा आएगा तो नीचे ही जाएगा, मदर सनसूमी में ऐसा नहीं हुआ, प्रॉफिट अच्छा हुआ, सेल अच्छी हुई, शेयर भी ऊपर गया भागा, बट डिपेंड करता है ना आपने क्या लिया है, आपने क्या पकड़ा है, आपने क्या कहां पर ट्रेड किया है, राइट। कहने का मतलब ये कि यहां पर कोई भी रूल नहीं है, एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कोई भी रूल नहीं है, देयर इज ओनली वन रूल दैट देयर इज नो रूल, only one rule is there in the stock market that there is no rule, और यहां पर आप जो है news based काम करते हैं so यहां पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, right। so और सुनिए,
ये तो अच्छी न्यूज के बारे में मैंने आपको बताया। बुरी न्यूज के बाद क्या होता है? जब बुरी न्यूज आती है, बुरी न्यूज आएगी मतलब कोरोना से भयंकर बेकार न्यूज क्या होगी, कोई नहीं हो सकती। तो कोरोना जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था, मार्केट को डाउन होना चाहिए था, राइट? बट ऐसा नहीं हुआ। अगर आपने कोरोना के बढ़ने के कारण से मार्केट से डर कर अपना पोर्टफोलियो मार्केट में बेच दिया, शेयर बेच दिए, तो आपके लिए बैड न्यूज है कि मार्केट जो है वो उसके बाद बढ़ गया। आप कहेंगे नहीं मानते आप सर, हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये चार्ट है निफ्टी का, राइट? तो यहां पर आप देख रहे हैं यह है 20th February 2020। इसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे गया, और ये है डेट बेसिकली 24th March 2020। और इसके बाद लगातार लगातार ये जो मार्केट है ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। कोरोना इसके बाद बढ़ता गया और मार्केट भी बढ़ता गया, मतलब बैड न्यूज को मार्केट ने रिएक्ट ही नहीं किया। सो न्यूज बेस अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है मार्केट में गलती कर रहे हैं। प्राइस के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो कुछ हद तक आप अच्छा कर सकते हैं, बट मार्केट में जो फर्स्ट कैटेगरी लोग हैं वो लोग न्यूज बेस काम करते हैं। और एक और, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट, राइट? अगर ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है तो मार्केट इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? पर मार्केट डाउन हुई, बैंक्स डाउन हुए, बैंक के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, बट मार्केट ने इसका अपोजिट डायरेक्शन में किया। तो ये बेसिकली ट्रेडर्स को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा करता है। मार्केट क्यों कर रहा है इसको समझना एक अलग टॉपिक है, बट व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर जो गैम्बलिंग है वो मैक्सिमम केसेस में जो है वो हम कैपिटल को लेके चली जाती है। एडवाइस क्या करना चाहिए, मतलब क्या करें जिससे गैम्बलिंग ना हो? अगर आपको न्यूज बेस्ड काम करना ही है, आपको फर्स्ट कैटेगरी में रहना ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी में आना ही नहीं है, तो ठीक है सर, आप जो है कुछ बातों का जरूर फॉलो करें। बोरिंग लिमिट, ब्रोकर की लिमिट ना लें। आपके पास 10,000 हैं तो 10,000 से काम करें, 20,000 हैं तो 20,000 से काम करें, 2,00,000 हैं तो 2,00,000 से काम करें, उधार नहीं लें, राइट? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट वाले शेयर और ये ट्रेडिंग वाले शेयर जो है अलग अलग अकाउंट में रखें, जिससे कि आपको ये रहेगा कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ये मैंने ट्रेडिंग के लिया है। इन दोनों को मिक्स ना करें, मतलब आपके पास दो डीमैट अकाउंट मिनिमम होने चाहिए, एक ट्रेडिंग पर्पस के लिए और एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और अगर आपके पास दो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको अपना नाम नंबर एड्रेस, आप नाम नंबर डालिएगा, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां पर आप भी दूसरा डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तीसरा, जो भी आपका ट्रेडिंग वाला काम है, जो गैम्बलिंग वाला आप ये जो काम कर रहे हैं, न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर के पास रखें, ताकि जो ब्रोकर आपसे बहुत बड़ा अमाउंट ब्रोकरेज का चार्ज कर रहा है, अगर आप किसी भी ब्रोकर के पास काम कर रहे हैं, वहां पर वो परसेंटेज बेस पर आपको कमीशन ले रहा है 0.1%, 0.2%, प्लीज प्लीज जल्दी से वहां से हटकर आप जो है डिस्काउंट ब्रोकर के पास चले जाइए, वहां पर आपको कम अमाउंट की ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, ताकि आपके घर में कुछ आएगा और ब्रोकर अपने घर में नहीं लेके जा पाएगा, राइट? हम आपको जो लिंक के थ्रू भी अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिस्काउंट ब्रोकर का प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपकी कैपिटल ज्यादा यूज ना हो। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट में जो बता रहा हूं यहां पर, कि जो भी अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आप उस प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते जाइए। ऐसा ना करें कि कैपिटल भी इन्वेस्टेड, प्रॉफिट भी इन्वेस्टेड, प्रॉफिट से भी लॉस, कैपिटल से भी लॉस, अल्टीमेटली जीरो। सो जो अगर आप प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते जाइए, उसको एफडी में डालिए, अपने पास रखिए, ताकि आपको आपके कैलकुलेशंस पता चले कि एक महीने में आपने क्या किया, अगले महीने क्या किया, ताकि आपके पास कुछ अपने पॉकेट में कैपिटल प्रिजर्व रहे। कैपिटल बचाना आपका सबसे सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, राइट? सो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, अदरवाइज और
और मैं चाहूंगा कि कुछ भी करें, मतलब अगर आप फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी ना किसी एक कैटेगरी में भी बिलोंग कर रहे हैं। मतलब न्यूज़ बेस्ड काम करना है, फ्रेंड की रिकमेंडेशन करनी है, वो करते रहो, बट आप फिफ्थ कैटेगरी में जरूर आओ, जो कि हम आने वाली वीडियो में समझाने वाले हैं कि वो कैसे आपको मतलब ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड करती है। राइट तो फिफ्थ कैटेगरी में जरूर आओ, कुछ ना कुछ कैपिटल का अमाउंट वहां पर भी लगाओ, ताकि अगर आपने फर्स्ट कैटेगरी में लॉस ले भी लिया तो फिफ्थ कैटेगरी जो है वो आपको हेल्प करे, आपको प्रोटेक्ट करे। राइट सो दिस वाज अबाउट आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। हम लोग आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इस प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए बात करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज भी वहां पर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ और वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।